हेलो माय डियर कैप्रिकॉन। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या आपकी शादी 2025 ईयर, मतलब जो आने वाला आपका नेक्स्ट ईयर है, उस ईयर में आपकी शादी होगी, और अगर होती है तो किससे होगी, कौन होंगे वो पर्सन, कैसा होगा उनका नेचर, पर्सनालिटी, लुक्स, फिजिकल अपीयरेंस, आप दोनों के बीच में बाउंडिंग कैसी रहेगी, वो इंसान आपको कैसा ट्रीट करेंगे, सब कुछ यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जल्दी से हो जाइए पॉजिटिव, लाइक एंड सब्सक्राइब करके हो जाइए अलाइन, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। पहला कार्ड मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। और कैसे कांटेक्ट करेंगे, तो जीमेल एंड इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बस फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। फिलहाल यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स ले लिए हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपके पर्सन का जोडियक साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, एरिस लियो सैजिटेरियस, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे ये चीज़ नोटिस कर पा रही हूँ कि शायद आप अपने लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हो सकता है आप सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हैं और आपका डिवोर्स का सीन चल रहा है, आप फ्री होना चाहते हैं और किसी न्यू इंसान को आप अपने लाइफ में चाहते हैं जिससे आपकी शादी हो, जिसके साथ आपकी लाइफ में शांति रहे, स्टेबिलिटी बनी हुई रहे, और वो आपसे बहुत प्यार करे, आपको समझे, कभी भी आपको अकेला ना छोड़ के जाए, जैसे पहले पार्टनर ने छोड़ दिया, या फिर कभी आप रिलेशनशिप में रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, कार्मिक पार्टनर ने आपको बहुत परेशान किया, तो उन सारी चीज़ों से आप डरते हो और इसी वजह से यहाँ पे इस रीडिंग पे हो और ये जानना चाहते हैं कि कैसे पर्सन आपको मिलेंगे। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई करके मैं बता देती हूँ आपको क्लियर कि आपके पर्सन बड़े ही दयालु इंसान दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान के अंदर बहुत ही ज़्यादा दया दिखाई दे रही है, साथ साथ ये ऐसे इंसान होंगे जो कि किसी के दर्द को देख नहीं पाते होंगे। इनको ऐसा लगता होगा कि मैं अगर हूँ, मुझे इतनी एबिलिटी दी गई है, मैं इंसान हूँ, ठीक है, तो मैं क्यों ना किसी को हील करूँ, क्यों ना किसी के साथ जस्टिस करूँ, और यही फैसला करके इन्होंने चूज़ किया एक प्रोफेशन, वो है जस्टिस का। आपके पर्सन मुझे एक जज दिखाई दे रहे हैं, जज, लॉयर, ठीक है, ये सब हो सकता है इस पर्सन का, बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे, ठीक है, कम से कम 80% चांसेस है कि आपके पर्सन लॉ के फील्ड से हो सकते हैं। काफ़ी पावर, पोजीशन, अथॉरिटी इस पर्सन के पास है और आपके ही सेम कंट्री के ये पर्सन होंगे और उसी कंट्री में रह सकते हो। कुछ लोगों का फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, ये पर्सन IFS ऑफिसर हो, फॉरेन रहते हो, ठीक है। तो जजमेंट की एनर्जी सबसे पहले ये बता रही है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो फील होगा कि एक सही इंसान से मुलाकात अब हुई है, एक न्यू बिगेनिंग न्यू पर्सन के साथ दिखाई पड़ रही है। कार्मिक से फ्री होने के बाद आप इनसे मिलोगे, ये ऐसे इंसान है जो कि कभी भी आप दोनों के बीच में कुछ भी हुआ ना, तो ये सेल्फ एवेल्युएशन करेंगे, देखेंगे कि मेरी क्या गलती है, मेरी वजह से क्या हुआ जो इतना लड़ाई झगड़ा हो गया। लेकिन वैसे तो होने वाला नहीं है क्योंकि आप भी समझदार हो और ये भी समझदार है, तो लड़ाई झगड़े होंगे क्यों। तो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जैसे आपके लाइफ की रीबर्थ कराने के लिए, रीन्यूअल कराने के लिए आपके लाइफ में आ रहे हो, आपको जस्टिस देने के लिए आ रहे हो और आपको आपके टेंशन से फ्री करा के आपको कहीं दूर ले जाकर आपके साथ रहने के लिए आ रहे हो, ठीक है। तो इस पर्सन के साथ सबसे पहले आपका होगा अवेकनिंग, बहुत सारा अवेकनिंग, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिसीज़न आपके साथ फ्यूचर का लेंगे, बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में आप लोग आगे बढ़ेंगे, ये पर्सन आपको हील करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ, पहले फर्स्ट इम्प्रेशन जो होगा उसमें ही ये पर्सन आपको पसंद करेंगे और आप भी इनको पसंद करने वाले हो, ठीक है। जितने भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, सारी चीज़ों से फ्री हो गए। आप दोनों के बीच में कनेक्शन की अगर बात की जाए तो बहुत ही ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन और ओपन एंड ऑनेस्ट कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहने वाला है, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए फॉरेन सेटलमेंट दिखाई दे रहा है, या फिर कोई ये दूसरे स्टेट के हो सकते हैं, तो इनके साथ आप दूसरे जगह जाके बस सकते हो, दूसरे स्टेट में, ठीक है। कनेक्टेड तो रहोगे अपने फैमिली से, लेकिन ऐसा है कि आपको इनके साथ दूसरे जगह जाना होगा। आपका मैं बता देना चाहती हूँ कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं और इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। मैरिड लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, वेल्थ होगी, फ्रीडम बहुत होगा। फ्रीडम को ये समझते हैं कि एक्चुअली में फ्रीडम होता क्या है, तो आपके इस मैरिड लाइफ में मैं फ्रीडम बहुत देख पा रही हूँ।
और आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं अपने अकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि आपके जो पार्टनर होंगी वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली फ्रीडम रहना, मतलब फाइनेंशियली फ्रीडम होगा इनकी लाइफ में, फ्री रहना चाहती होंगी, इन्वेस्टमेंट करती होंगी या करते होंगे, जॉब करते होंगे. सो काफ़ी ब्यूटी है, ग्रेसफुल है, एलिगेंट है, सोफिस्टिकेटेड है ये पर्सन. लोग इनके आगे पीछे भी घूमते हैं, ये भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ. इनको बहुत ही शौक है बिजनेस करने का. आपके पर्सन ने एक स्पिरिचुअल पाथ भी चूज़ किया है, ये बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान भी हो सकते हैं. ठीक है, तो अब भी अगर ये बिजनेस नहीं कर रहा है तो इन फ्यूचर आपके साथ करेंगे, जो भी स्ट्रगल है वो साथ में मिलकर झेलेंगे. बहुत ही इमोशनल, बहुत ही नर्चरिंग रहेंगे आपको लेकर, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के बीच में रहेगा मैरिड लाइफ में. तो ये एनवायरमेंट कैसा हो सकता है मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ. आपके पर्सन बहुत ही सिवरस पर्सन है, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना बहुत अच्छे से आता है. बड़े बुजुर्ग हो गए, अपने पार्टनर हो गए, बच्चे हो गए, बड़े जो भी हो गए ना घर के, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते. तो आपकी फैमिली की, आपकी और आपके घर के बच्चों के जो भी हैं वो सबकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, और आप भी इनकी फैमिली की रिस्पेक्ट करो ऐसा इनका एक्सपेक्टेशन होगा. इनर पीस आपके मैरिड लाइफ में बहुत ही ज़्यादा शांति होगी, और कभी भी कुछ भी छोटा मोटा आप दोनों के बीच में हो गया कॉन्फ्लिक्ट, तो उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप दोनों का रिश्ता और इम्प्रूव होगा. आपके पर्सन कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा ये पर्सन आकर आपको मना लेंगी या आप इनको मना लोगे. तो कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उस कॉन्फ्लिक्ट के वजह से आप दोनों के बीच में जो प्यार है, एम्पैथी है, अंडरस्टैंडिंग है, और जो कंपैशन है वो और भी बढ़ जाया करेगा. ठीक है, नेम इनिशियल की बात की जाए तो क्या है इस पर्सन का नेम इनिशियल. अलाइन रहिए ताकि परफेक्ट मैसेजेस आप लोगों को मिले. लव लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए. ओके, और आप ऐसा लिख सकते हो कि मैं बहुत ही जल्दी अपने सोलमेट से मिल रही हूँ या मिल रहा हूँ, और उनसे मेरी शादी हो रही है. ठीक है, वी, देन उसके बाद है यहाँ पे बी, एच, प्लीज गॉड गिव मी क्यूरेट मैसेज, परफेक्ट मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए. क्या है नेम इनिशियल? यू, आई, एक्स, ई, लास्ट थ्री देखेंगे वो है आपका पी, जे, एंड लास्ट वन इज के. ओके, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम. यहाँ पे स्टेट बताऊंगी, उससे पहले आप लोग जान लीजिए, मैं इन्फॉर्म कर दूँ, पर्सनल लिंक के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा. दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी टॉपिक पे अपनी पर्सनल रीडिंग आप लोग ले सकते हैं. ठीक है, फेक एंड फ्रॉड से भी रहिएगा, नंबर मैं नहीं देती हूँ. सबसे पहले है पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश. देन ये पर्सन यूपी के हो सकते हैं, गोवा, एंड लास्ट मैं कुछ बता दूँ आपको, जैसे आसाम हो गया, और देन ये पर्सन मुझे लग रहे हैं उड़ीसा के भी हो सकते हैं. यहाँ पे उड़ीसा आने की कोशिश कर रहा था, उड़ीसा आ चुका है. एंड यहाँ पे ये पर्सन होंगे आपके चंडीगढ़, एंड लास्ट वन इज़ नागालैंड. तो ये सारे स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र के भी हो सकते हैं. तो अपना ख्याल रखिएगा आप सभी लोग, अपने फैमिली का भी,